नमस्कार साथियों, मैं अमरनाथ कुमार। पंजाब के ऊपर मैं आज बात करने आया हूं। मेरे पास जो कुछ इनपुट मिला है उस आधार पे मैं आपको बताने जा रहा हूं। जब मेरा बोलना खत्म होगा तो मैं एक इंटरव्यू का अंश लगाऊंगा इसमें, और उस इंटरव्यू को जरूर देखना। वो काफी ही पुराने हैं और राजनीति के जानकार हैं, और उन्होंने बहुत सारे आंदोलनों में भाग लिया है, तो उनकी बातों को जरूर सुनना। पंजाब में भाजपा किसी भी हाल में कांग्रेस को खत्म करना चाहती है। इसके लिए उन्होंने अपने एजेंटों को लगा दिया है। कई एजेंट वहाँ काम कर रहे हैं जो पार्टी के रूप में हैं, और उनका एजेंडा है किसी तरह से कांग्रेस को खत्म करना है। इसमें भाजपा के वोटर उनको साथ दे रहे हैं। भाजपा का वोटर तो है नहीं, जो भी थोड़ा बहुत है वो सीधे उस जो एजेंट पार्टी है उसको वोट करेंगे, यानी हिडन है, आरएसएस का एजेंट है। कई लोगों को आपको पता ही है, देश में पेगासस का माहौल था, जो जासूस लगा दिए गए थे जिसके कारण सबकी बोलती बंद थी। आज भी बहुत सारे लोगों का बोलती बंद है, तो वो लोग भी भाजपा के लिए काम कर रहे हैं इनडायरेक्ट रूप से। आपने देखा कैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह इतने साल तक आप साथ के साथ रहे, कांग्रेस में लगे रहे, कांग्रेस के लिए काम करते रहे। उससे पहले उनके जब देश आजाद नहीं हुआ था तब भी वो राजा ही थे, महाराजा ही थे, और इस देश पे जनता को गुलामों की तरफ बिहेव करके शासन करते रहे, तो उनको शासन करने की आदत पड़ी हुई है। सब कुछ तो दिया आपने, पंजाब ने क्या नहीं दिया अमरिंदर सिंह को, लेकिन आज वो क्या किसको साथ दे रहे हैं, किसको? गुरु गोविंद सिंह के विरोधियों को, गुरु तेग बहादुर जी के विरोधियों को। क्या हुआ? सिक्योरिटी लैब्स के बारे में पूरी दुनिया में पता है, कोई भी किसी भी एजेंसी से जांच करा लीजिए। जब किसान आंदोलन कर रहा था तो वहां जाने की जरूरत नहीं थी, उसको इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया गया, और यहां तक कि भाजपा के एमएलए, मंत्री और कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, देखिए कि किस तरह से कहा, सिखों को खत्म करने की बात किया, 3 करोड़ सिखों को देश से निकालने की भी बात किया, कनाडा भेजने की बात किया, खालिस्तानी पता नहीं क्या क्या कहा, बहुत बुरा लगता है। इनका काम ही है फूट डालो और राज करो, तो पंजाब को बर्बाद मत हो देने दे आप लोग। मैं यही कहना चाहता हूँ, इन एजेंटों को पहचानो, एजेंट पार्टियों को पहचानो। मैं नहीं कहता कि आप कांग्रेस को वोट दो, लेकिन आपका भविष्य कहाँ है वो देखना है। कौन सा है जो एजेंट की तरह काम कर रहा है, किससे आपको बर्बाद नहीं होगा? आप बहुत अच्छे हालत में है, देश में एक पंजाबी है जो बहुत बढ़िया है, और पंजाबियों के कारण मैं यहाँ बैठा हूँ, बोल भी रहा हूँ। अगर पंजाबी और मुस्लिम इस देश में न हो तो बाकी के जो हिंदू हैं देश के 80% हिंदू वो खत्म हो जाएंगे। मात्र 20% हिंदुत्ववादी लोग किसी न किसी तरह से इस देश को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। हम हिंदुत्ववादियों से इशारा आप समझ सकते हैं कि कौन है वो हिंदुत्ववादी। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा उनके टाइटल से, नाम से, कि कौन आते हैं आपको गाली देने के लिए, और कौन इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, और कौन भक्त है, अनभक्त कौन है, तो आपको खत्म कर देगा। इसलिए आपकी जरूरत है मुझे, हमारी रक्षा के लिए फिर से एक बार गुरु गोविंद साहब ने कहा था कि अपनी रक्षा के लिए तलवार उठाना जरूरी है। इस बार आप लोग अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करें और हमें बचाएं। ये एक कल मैंने जो इंटरव्यू किया है उस पर जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार, आज मैं जंतर मंतर पर हूँ। गिटार अंकर के नाम से जाने जाते हैं, इनका नाम है सुशील आहूजा जी। अन्ना आंदोलन के समय भी है केजरीवाल जी के साथ जुड़े थे। केजरीवाल जी के साथ क्या जुड़े थे? केजरीवाल जी ने इनको जोड़ा था, क्योंकि ये बहुत फेमस है, ये सोशल एक्टिविस्ट है, घूम घूम कर संदेश देते हैं, लोगों को एकजुट करते हैं, देश की भलाई के लिए काम करते हैं, युवाओं को जोड़ने का काम करते हैं। आज इनसे हम जानते हैं, क्योंकि ये पंजाब से भी है बेसिकली, तो इनसे जानते हैं कि पंजाब में क्या माहौल है। तो इनके पास इनपुट रहता है, सब जगह घूमते हैं, तो इनसे पूछते हैं। अंकल जी, आपका क्या ख्याल है पंजाब के ऊपर? देखिए, जो पंजाब में जब तक राजेवाल नहीं अपनी पार्टी बनाए थे, संयुक्त समाज मोर्चा जब तक नहीं बना था, तब तक तो समीकरण बहुत अलग थे। बीजेपी तो पहले साफ ही थी, बीजेपी वहाँ लोग नहीं चाहते कि बीजेपी दोबारा हिंदू मुसलमान या धर्म के खंडों की राजनीति दोबारा करे। अब टक्कर जो थी उस टाइम तक, वे जो है कांग्रेस
कांग्रेस है, कांग्रेस है चन्नी को, तो वो अच्छी राजनीति थी कि चन्नी को दलित बहुत हैं, दलित मेरे ख्याल से 30% दलित हैं पंजाब, बड़ी अच्छी संख्या है, ये अपना हाथ का काम करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, और जिनकी सारे मोस्टली 80% पंजाब में छोटे किसान हैं। उस टाइम तक तो मुकाबला था जो है आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस, क्योंकि चन्नी राजनीति में चेहरा बन गया बड़ा, तो चांसेस है कि जो है कांग्रेस जीत जाएगी चन्नी के उसके ऊपर। लेकिन जैसे ही राजेवाल की पार्टी बनी और 22 जो किसान यूनियंस थी, किसानों के संगठन थे 22, उन्होंने समर्थन दिया, तो समीकरण एकदम से बदल गए। वो समीकरण बदलने से अब किसान भी जो है कोई हिंदू मुसलमान और सिख नहीं रहे, किसान तो किसान है, ठीक है जी। हाँ, जो मेहनतकश लोग हैं उनको जबरदस्ती जो है हिंदू मुसलमान सिख बनाया जाता है, उनका तो धर्म है सिर्फ काम करने का, काम करेंगे मेहनत करेंगे और जो है रोटी पाएंगे, नहीं। लेकिन समाज ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि बच्चे बच्चे को जो है, बच्चा पैदा हुआ उसको हिंदू मुसलमान सिख बना दिया, लेकिन अभी लोगों को पता है। अभी एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, अभी प्रधानमंत्री जी गए थे वहाँ, सुरक्षा में चूक हुआ नहीं हुआ, जब जो भी माहौल बनाया गया उससे बहुत सारे की प्रतिक्रिया आई, सिखों को गाली दिया गया, देश में एक माहौल और खराब हुआ है जिसके कारण सिख यूनाइट हुए, क्या ये सूचना गलत है? नहीं, बिल्कुल, मैं आपको थोड़ी सी जो है और इनपुट दे देता हूँ उसमें। एक्चुअली जो इन्होंने रैली रखी थी, कि रैली में जो है 50,000 करोड़ की जो है आसपास जो है उन्होंने कोई झूठ के हर्ष द्वारा से कोई जो है जुमले वहाँ छोड़ दिए। अब ये तो सरकारी रैली थी, ये तो जो है बीजेपी की रैली नहीं थी, सरकारी रैली में बीजेपी वाले भी जुटे थे, लेकिन ना सरकार जो है 70,000 कुर्सियों में ना तो सरकार के जो है पूरी की पूरी तंत्र जो है वो ला पाए और ना ही बीजेपी वाले ला पाए। तो इसका मतलब है मोदी के नाम से जो है फुस हो गया, अब मोदी का नाम फुस हो गया, तो जो ऑरा बना के रखा था कि हाँ भाई मोदी का नाम लेते ही जो है पता नहीं कितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, झूठ है, वो ऑरा बना के रखा है, झूठ बना के रखा है। वो सॉफ्टवेयर जो चलता है टेक फॉग, बुल्ली बाई, सुल्ली, पेगासस, तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो बॉट्स हैं, रोबोट्स हैं, ये रोबोट जो है कुछ चाइना में भी बैठे हैं और इंडिया में भी कुछ रोबोट चलते हैं, जो इमेज बनाते हैं प्रधानमंत्री की या जो है मोदी, तो मोदी की इमेज जो बनती है वो रोबोट्स बनाते हैं, उसके पीछे जो कोई बंदा नहीं होता। मेरे ट्विटर पे भी मैंने देखा है, तो बोले जो है करोड़ों में जो है उसके फॉलोअर हैं, झूठ है, करोड़ों में फॉलोअर नहीं है। अगर आप देखें कि हाँ भाई जो फॉलो कर रहा है बंदा उसको कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, 2, 4, 5, 10, तो उनके पीछे की फॉलोइंग जो है वो देखें तो अभी बहुत अच्छा जो है, एक अभी दो बच्चों ने 2 साल लगा के और बताया है कि एक सॉफ्टवेयर है टेग फॉग करके जो है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, वो भी चल रही है, वो बीजेपी की आईटी सेल चलाती है। तो ये सब कुछ करते हुए जो है अगर 700 बंदे पहुंचे, 70,000 कुर्सियां, 700 बंदे, तो वहाँ पे जो है मोदी और यहाँ पे जो बैठे बैठे जो है पूरी सरकार, तो जब भटिंडा में जो है लैंड किया हवाई जहाज मोदी का, तो वहाँ उनको खबर मिल गई, भाई जो है कितने बंदे आए हैं, बोले सर जब अभी तो जो है सिर्फ 700 बंदे आए हैं, और लेकिन आ जाएंगे। तो इसने बोला कि ऐसा है, वो मेरा प्रोग्राम है हेलीकॉप्टर से फटाफट पहुँचने का, तो हेलीकॉप्टर से जानबूझ के बोले ऐसे अभी मत पहुँच जाओ, नहीं तो वहाँ तो कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं, तो बोले ऐसे करो जो है सो रोड से ऐसे ऐसे करके थोड़ा टाइम पास करते करते आ जाओ। तो जैसे ही रोड से उनका प्रोग्राम बनाया हुआ, यहाँ सिक्योरिटी लैब्स पूरी बात तो जो है पूरी पब्लिक को समझ नहीं आती,
तो पब्लिक को समझाई नहीं जाती कि इट इज़ ऑल बिकॉज कि वहाँ पे लोग 70,000 कुर्सियाँ और जो है 700 बंदे नहीं आए। इतनी बड़ी ताकत जो है, जो बंदा है जी प्रधान, देश का प्रधानमंत्री, जो 50,000 करोड़ की जो है जुमला जो है एक और देने वाला है, फिर भी लोग नहीं आए। तो इसका मतलब है इनकी अपनी बहुत सारी जो है, जो ऑरा था इनका, अभी खलास है और ये हार जाएंगे। नहीं, हारने की बात तो बाद की बात है, पहले बताइए उसका रिएक्शन क्या हुआ उन्होंने जब अभी वही तो बोलता सिखों में नाराजगी है जैसे टारगेट किया गया उनके बाद। अच्छा, लोगों ने टारगेट बहुत किया किसान आंदोलन में, इन्होंने किसान आंदोलन पे जो है बोला था कि भैया जो है वो सिख सारे जो है वो जो बैठे हैं वो उग्रवादी हैं, वो खालिस्तानी हैं, वो जो है टेररिस्ट हैं, वो जो है गंदे लोग हैं, खराब लोग हैं। अरे तो अपने ही देशवासियों को जो है ऐसा बोल रहे हो, अच्छी बात नहीं है। अभी भी जब ये मोदी का कांड हुआ, ये जो उसके ऊपर क्या नाम था, फ्लाईओवर के ऊपर जो है जब, तो बीजेपी वाले जो है खुद जो है झंडे लेके वहाँ खड़े थे। तो इसका मतलब है जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, इन्होंने फ़ोन करके अपने ही बंदों को बोल दिया था कि देखो तुम वहाँ पहुँच जाओ और जो है वहाँ जाम लगा दो। ये बात जो है अभी क्लियर जो है सबको पता लगी, क्यों डिफरेंट एंगल से भी जो है कुछ फोटोएं आ चुकी हैं। आपका पुराना साथी केजरीवाल बहुत जोर लगा रहे हैं वहाँ पे उसमें क्या ख्याल है आपका, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जो ऐसा है कि मैं आम आदमी पार्टी का संस्थापक रहा हूँ, ठीक है जी, लेकिन जैसे जो है शांति भूषण जी से 2 करोड़ रुपए लिए और ऐसे मक्खी उठा के फेंक दिया है जी अपना अरविंद केजरीवाल एंड गैंग ने, तो ये गैंग के साथ मैं उस टाइम पे जुड़ा था जिस टाइम पे मेरी इच्छा थी कि एजुकेशन के टीवी चैनल लगने चाहिए और लग सकते हैं, हेल्थ में मेडिकल कॉलेजेस आने चाहिए, तो हेल्थ के मेडिकल कॉलेजेस अगर मैं होता तो जरूर जो है लाता, एजुकेशन के टीवी चैनल में जरूर लाता। ये अरविंद से मेरी डिस्कशन हो चुकी थी, लेकिन जो है ना ही अपना जो है मेडिकल कॉलेजेस खुले दिल्ली में। अब इस इंटरव्यू को देखने के बाद आपको लगा होगा कि क्या चल रहा है पंजाब में और आप कैसे बचा सकते हैं इस देश को। ध्यान देने की बात है, आपका सहयोग चाहिए। जय हिंद, जय भारत।